वेलकम अगेन टू लर्न विद दीपन। तो आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप सबकी बढ़िया चल रही होगी और चलनी भी चाहिए, क्योंकि टाइम ही ऐसा है जितना ज्यादा आप पढ़ सकेंगे तो आप अपने लक्ष्य को पूरा कर सकेंगे। आज हमारा टॉपिक है शिक्षण अधिगम सामग्री एवं सहायक सामग्री। तो ये जो टॉपिक है ये आपका लेवल वन या लेवल टू, कोई भी बच्चा जो रीट की तैयारी कर रहा है, टीचिंग की तैयारी कर रहा है, चाहे वो सीटेट की भी तैयारी कर रहा है, वहां पर ये टॉपिक जो है वो बिल्कुल कॉमन है। आप किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप दे रहे हैं एग्जाम टीचिंग का और वहां पर ये इस टॉपिक में से प्रश्न ना आया हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ है। ये टॉपिक जो है वो आपके लिए कॉमन है। हिंदी लैंग्वेज हो, इंग्लिश लैंग्वेज हो, समझने की अगर बात करें, मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी हो, पर्यावरण अध्ययन हो, कहीं भी आपका सिलेबस आप उठाएंगे वहां पर देखेंगे ये टॉपिक आपका दिया हुआ है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप एक वीडियो में ही इस चीज को समझ लीजिए, जिससे कि आपको हर सब्जेक्ट में अलग अलग ये चीज ना करनी पड़े। आपको बस क्या करना है, यहां समझना है और उसको उसी सब्जेक्ट के साथ जोड़ देना है, ठीक है? तो ये चीज आपको समझनी है। तो हमें सबसे पहले तो ये समझना है कि हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, शिक्षण सहायक सामग्री की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। क्योंकि आपको भी पता है कि वर्तमान में जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित है, यानी बालक को ध्यान में रखकर, बालक को सेंटर में रखकर ही शिक्षण जो है वो कराया जाता है, ठीक है? हम भी ध्यान रखते हैं इस चीज का। जो पहले की जो शिक्षा थी और अब की शिक्षा में अंतर है। पहले जो भी पाठ्य वस्तु तैयार की जाती थी वो बच्चों के अकॉर्डिंग नहीं तैयार की जाती थी, ठीक है? लेकिन अब बच्चे का जो लेवल है उसको ध्यान में रखकर हम शिक्षा जो है वो दे रहे हैं। तो इस शिक्षा को और अत्यधिक प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है? शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है बालकों को सिखाना। तो अधिगम का जो प्रोसेस होता है उसमें जो शिक्षक होता है वो विभिन्न शिक्षण साधनों का प्रयोग करता है, यही है सहायक सामग्री। भाषा शिक्षण को जिससे और अधिक प्रभावी बनाया जा सके, इफेक्टिव बनाया जा सके, शिक्षक जिस सामग्री का उपयोग करता है वही शिक्षण अधिगम सामग्री कहलाती है, ठीक है? तो ये थी एक बिल्कुल सामान्य डेफिनेशन शिक्षण अधिगम सामग्री की। अब हम देख लेते हैं कि शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में डेन महोदय का क्या कहना है। ये कहते हैं कि सहायक सामग्री वह सामग्री है जो कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली गई पाठ्य सामग्री को समझने में सहायता प्रदान करती है, ठीक है? मतलब इनका यही कहना है डेन महोदय का कि अगर हम कक्षा में पढ़ाएं या शिक्षण की कोई भी परिस्थिति हो, वहां पर कुछ लिखा हुआ जैसे मैंने ये लिखा है, बोली गई जैसे मैं बोल रही हूं, जिस पाठ्य सामग्री को, इसको समझने में सहायता प्रदान करे। तो हेल्प कौन कर रहा है इसमें? आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर, ये आपकी हेल्प कर रहा है, ठीक है? तो यही है आपका शिक्षण सहायक सामग्री, जो कि मेरी बोली हुई बातों को, मेरी बोर्ड पर लिखी हुई बातों को आप तक पहुंचा रहा है, यही है शिक्षण सहायक सामग्री, ठीक है? तो ये क्या है, डेंट के अकॉर्डिंग ये कहते हैं। नेक्स्ट है वेबर के अकॉर्डिंग, 40% दृश्य, 25% श्रव्य, 17% स्पर्श अनुभव और 3% स्वाद व सुगंध से अधिगम होता है। यानी जो बच्चे का सीखना होता है वह 40% तो वो देखकर अधिगम करता है, सीखता है, 25% सुनकर, 17% स्पर्श या अनुभव करके, यानी कि टच करके या फिर एक्सपीरियंस से, और 3% तो स्वाद या सुगंध से वो अधिगम करता है, ठीक है? तो ये सभी पर लागू होती है, हम पर भी लागू हो रही है, आप पढ़ रहे हैं तो आप पर भी ये लागू हो रही है। अब आपको इस चीज से पता लगना होगा वेबर के अकॉर्डिंग कि 40% आप केवल देखकर ही अधिगम कर पाते हो, 25% केवल सुनकर ही कर पाते हो, ठीक है? लेकिन अगर आप इन दोनों को मिला दो तो और ज्यादा शिक्षण प्रभावी हो जाता है। कैसे? अगर 40% और 25%, ठीक है, अगर आप इनको मिला देते हैं तो यानी 65%, तो आप 65% अधिगम कर पाते हो। तो ये क्या कहना चाहता है इनडायरेक्ट वे में, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जैसे कि आप मुझे दृश्य कर रहे हैं, बोर्ड पर लिखी हुई चीजों को दृश्य कर रहे हैं, देख रहे हैं, 25% मुझे सुन रहे हैं, ठीक है, तो जो आपका लैपटॉप है, आपका मोबाइल है, ये एक शिक्षण सहायक सामग्री है जो कि आपको ज्यादा अधिगम कराने में प्रेरित कर रही है। इससे आप और ज्यादा मोटिवेट होते हैं क्योंकि आप देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं साथ में। तो
इसका मतलब ये है कि हम जो बुक से केवल पढ़ रहे हैं उसका प्रभाव जो है वो इतना नहीं होता है जितना कि हम देखकर और सुनकर साथ में कर रहे होते हैं। इसका कितना अच्छा एग्जांपल होता है, आप मूवी देखते हैं कोई भी, आप मनपसंद चीज जो है वो अपने टेलीविजन कंप्यूटर पर देखते हैं तो वो चीज आपको लंबे समय तक याद रहती है। आप भी अपने फ्रेंड्स को बताते हैं, हाँ मैंने ये डायलॉग जो है वो उसमें सुना था, उसमें देखा था, ये कविता जो है वो हमने उस सीरियल में सुनी थी, उस मूवी में सुनी थी, क्योंकि वो आपको लंबे टाइम तक याद रहती है। लेकिन बुक में पढ़ी हुई चीजें जो है वो आप ज्यादातर भूल जाते हैं। इसका मतलब यही है कि जितना ज्यादा हमको दिखाया जाएगा और साथ में भी सुनाया जाएगा तो वो हमारे लिए ज्यादा प्रभावी होगा। तो आप टीचर हो, इसी तरीके से आपको बच्चों को भी ये इस चीज के लिए मोटिवेट करना है, बच्चे जो है वो ज्यादा से ज्यादा अधिगम कर सके, यही हमारा उद्देश्य है। इसके लिए हम शिक्षण सहायक सामग्री का यूज करते हैं। तो ये टॉपिक जो है वो आपने बीएड जब की थी, जब भी आपने ये टॉपिक जो है वो पढ़ा होगा, ठीक है। अब हम कहेंगे शिक्षण सहायक सामग्री कौन कौन सी होती है। सबसे फर्स्ट है दृश्य सामग्री, यानी कि केवल देखकर, जिनको बैबर कहते हैं कि केवल 40% जो है वो अधिगम कर पाते हैं देखकर। यह फर्स्ट है श्यामपट्ट। श्यामपट्ट से तो हम सभी लोग जानते हैं, श्यामपट्ट क्या होता है, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, जैसे ये व्हाइट बोर्ड है स्कूल्स में हम देखते हैं ब्लैक बोर्ड होता है। तो जो श्यामपट्ट है वह एक ऐसी शिक्षण सहायक सामग्री है जिससे कि बच्चे जो है वो अधिगम कर पाते हैं, सीख पाते हैं, क्योंकि जो श्यामपट्ट होता है वह शिक्षक का एक हथियार होता है। यदि श्यामपट्ट ना दिया जाए, ब्लैक बोर्ड ना दिया जाए, व्हाइट बोर्ड ना दिया जाए, तो शिक्षक का आधा जो काम है वो उनको लगता है कि जब हमें बोर्ड ही नहीं दिया गया तो अब हमारा एक हथियार जो है वो उनसे छीन लिया गया है। तो ये एक मेन हथियार होता है जिसका यूज जो है वो है शिक्षण कराने में टीचर करता है। तो ये कैसी सामग्री है, दृश्य सामग्री, केवल देखकर अधिगम करने वाली। नेक्स्ट है चित्र या ग्राफ। अब अगर सामाजिक अध्ययन की ही बात करते हैं या ईवीएस की बात करते हैं आप, तो वहां पर अगर किसी चीज का आप चित्र बनाकर बच्चों को दिखाते हैं तब भी वो अधिगम कर पाते हैं, वो उस चीज को सीख पाते हैं। तो ये क्या है, एक दृश्य सामग्री है देखकर संबंधित। ग्राफ के द्वारा हम बताते हैं बच्चों को कि कौन सी चीज जो है वो कितनी ज्यादा ग्रोथ कर गई या कौन सी कम ग्रोथ कर गई, ठीक है। जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं तो हम इस चीज का विशेष ध्यान रखते हैं। टीचर अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए ग्राफ का यूज करता है, मॉडल का यूज करता है। साइंस में मॉडल लेकर अगर दिखाते हैं तो बच्चे और ज्यादा अच्छे तरीके से सीख पाते हैं, बजाय उनको केवल आपने एक बुक ली और सिर्फ एक सुना दिया। तो सुनने की बजाय अगर आप मॉडल दिखाते हैं तो टीचिंग जो है वो बहुत इफेक्टिव होती है। पाठ्य पुस्तक जो है वह भी क्या है, एक दृश्य सामग्री है। फ्लैनल बोर्ड। अब ये फ्लैनल बोर्ड क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि स्कूल्स के बाहर या कोचिंग के बाहर या फिर आपने कॉलेज के बाहर एक बोर्ड देखा होगा जिसमें कि कुछ जो न्यूज होती है, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है वो लाकर चिपका दी जाती है, ठीक है। इस तरीके का एक बोर्ड होता है और यहाँ पर चीज जो है, कुछ भी न्यूज जो है, कोटेशन है किसी की या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन बच्चों को देनी होती है तो यहाँ पर लाकर चिपका दी जाती है। ये क्या होता है, फ्लैनल बोर्ड। फ्लैनल बोर्ड जो होता है वो बाहर होता है ताकि उसको देखकर सभी को इंफॉर्मेशन मिल सके एक साथ, ठीक है। नेक्स्ट है बुलेटिन बोर्ड। इसमें क्या होता है कि पिन से पेजों को दबा दिया जाता है, ठीक है। लेकिन हमने फ्लैनल बोर्ड में क्या किया था, वहां पर हमने चिपकाई थी, और बुलेटिन बोर्ड में क्या करना है, हमको उस पिन से उसे दबा देना है जिससे कि वो जो भी इंफॉर्मेशन है वो बाहर ना गिर पाए। तो इस तरीके का होता है ये, ठीक है। तो ये इन दोनों में अंतर केवल इतना ही है। और श्यामपट्ट तो हमने देख ही लिया, नॉर्मल तरीके का इस तरीके का होता है जो कि हर क्लास के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एपिडियोस्कोप। अब ये क्या होता है, ये मैं आपको चित्रों के माध्यम से अभी आपको जैसे ही मैं पढ़ा लूंगी उसके बाद मैं आपको ये चीज दिखा दूंगी, ठीक है। कि क्योंकि देखी हुई और सुनी हुई दोनों सामग्री से ही बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है माइंड पर। कि एपिडियोस्कोप क्या होता है, ये एक ऐसी, इसे मैजिक लैंटर्न भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैजिक लैंटर्न भी बोलते हैं।
तो इसे भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर एग्जाम में ये वर्ड आ जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। मैजिक लैंटर्न, ठीक है। और ये किस तरीके का होता है, इसमें स्लाइड होती है, स्लाइड जो इस तरीके का होता है, और स्लाइड जो होती है वो यहाँ पर लगा दी जाती है। टीचर जो है वो रोशनी के द्वारा दीवार पर फोकस जो है वो दीवार पर होता है, बच्चों को जो भी इंफॉर्मेशन देनी होती है वो एक साथ उनको दिखा दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है श्रव्य सामग्री, जिसमें है फर्स्ट रेडियो। रेडियो तो हम सभी जानते हैं कि इससे सुना जा सकता है। ग्रामोफोन, अभी ग्रामोफोन क्या होता है, जो भी बच्चे होते हैं, बालक जो होते हैं, उनका भाषण और गाने की जो शिक्षा देनी होती है वह शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है ग्रामोफोन। इससे क्या होता है, बालकों को हम क्या लेक्चर जो है वो दे सकते हैं, या गाने की जो शिक्षा है वो दी जाती है, जिससे कि बच्चे सुन सके उसको, ठीक है, और सुन के वो क्या गेन कर सके और उसको सीख सके। तो ये क्या है, श्रव्य सामग्री, इसे बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर भी हमें पता है कि इस तरीके की एक कैसेट टाइप की होती है, उसे हम टेप रिकॉर्डर में लगाते हैं और फिर हम सुनते हैं। नेक्स्ट है लिंगुआफोन। अब ये जो है ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्या होता है, जो भी छात्र होते हैं उनके उच्चारण संबंधी जो शिक्षा देने के लिए किसका यूज करते हैं, हम लिंगुआफोन का यूज करते हैं। छात्रों के उच्चारण को सही करके, यानी कि ये भाषा से संबंधित है, छात्रों का जो उच्चारण है उनको सही करके भाषा की जो शिक्षा दी जाती है उसे कहते हैं लिंगुआफोन, ठीक है। तो आया हुआ क्वेश्चन था, तो ये कैसी सामग्री है, श्रव्य सामग्री है, तो ये रिपीट भी हो सकता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है दृश्य श्रव्य सामग्री। अब ऐसी सहायक सामग्रियां जिन्हें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। टीवी हम देखते भी हैं और हम सुनते भी हैं, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो गेन करते हैं। नेक्स्ट है फिल्म प्रोजेक्टर। जिस तरीके का एपिडास्कोप था, स्लाइड से और फिर दीवार पर सीधे फोकस किया जाता है, और स्लाइड में जो भी कुछ लिखित सामग्री होती है वो सभी बच्चों को एक साथ जो है वो दिखाई जा सकती है, इसी तरीके से फिल्म प्रोजेक्टर होता है। इसमें जो प्रोजेक्टर होता है वो फिल्म के थ्रू सुनाया और दिखाया जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर। कंप्यूटर जो हम सभी जानते हैं कि यह दृश्य श्रव्य सामग्री है। उसके बाद लैपटॉप जो है वो कंप्यूटर से ही रिलेटेड है। उसके बाद है नाटक। नाटक जो है वह भी दृश्य श्रव्य सामग्री है, क्योंकि वो जो ड्रामा दिखाया जाता है उसमें सीधा ही मूवी की तरीके से एक्टिंग की जाती है। एक्ट जो है वो हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं, ठीक है। तो ये क्या है, दृश्य श्रव्य सामग्री। तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट शिक्षण सहायक सामग्री अगर पूछी जाती है तो वो क्या होती है, दृश्य श्रव्य सामग्री, क्योंकि हम वहां देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, और शिक्षण जो है वो बहुत अधिक प्रभावी हो जाता है। तो देखिए ये क्या है, ये है एक बुलेटिन बोर्ड। तो बुलेटिन बोर्ड जैसा कि मैंने आपको बताया इस तरीके का दिखाई देता है। यहाँ पर कुछ भी जो इंफॉर्मेशन होती है जो हमें स्टूडेंट्स तक पहुंचानी होती है सभी को एक साथ, तो यहाँ हम उस चीज को लिख देते हैं और इस पिन के द्वारा इसे यहाँ दबा दिया जाता है, जिससे कि ये वापस बाहर ना निकले, और ये अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन जो है वो इस प्रकार से यहाँ पर लगाई जा सकती है। इसी तरीके से जब हम प्लैनर बोर्ड की बात करते हैं, उसे भी इसी तरीके की लकड़ी के ऊपर जो है कुछ भी कागज पर या किसी भी पेपर पर लिखकर और यहाँ पर उसे चिपका दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज जो है वो आप देख लीजिए, और यह एक दृश्य सामग्री है। नेक्स्ट है एपिडियास्कोप, जिसे कि हम दृश्य सामग्री कहते हैं। इसके द्वारा बच्चों को कोई भी इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है। देखिए ये इस तरीके की दिखाई देती है। उसके बाद देखिए ये है OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर। स्लाइड के द्वारा इसे दिखाया जाता है, जो कि पारदर्शी भी हो सकती है और अपारदर्शी भी हो जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर उसे रखा जाता है और उसके बाद उसे सीधा फोकस करके रोशनी के द्वारा और सामने जो बच्चे बैठे होते हैं उनके सामने ही उसे प्रस्तुत किया जाता है, जिससे बच्चों को सभी चीजें जो है वो दिखाई दे सके, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से भी अधिगम जो है वो कराया जाता है, और यह शिक्षण अधिकम सामग्री जो है वह कैसी है, दृश्य सामग्री है। ये देखिए इस तरीके की फिल्म स्ट्रिप होती है। फिल्म स्ट्रिप जो है वो इस तरीके की दिखाई देती है। नेक्स्ट है यह है ब्लैक बोर्ड, जिसे कि हम सभी जानते हैं, यह दृश्य सामग्री है। उसके बाद है यह डीवीडी प्लेयर, ठीक है। तो सभी ने अपने घरों में भी देखा होगा कि ये डीवीडी प्लेयर होता है, इसमें डीवीडी
या सीडी जो इसके अंदर जाती है, और उसके बाद हम किसी भी चीज को हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, तो इसीलिए यह दृश्य श्रव्य सामग्री है। यह है टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर जिसके अंदर अंदर हम कैसेट्स डालते हैं और जिस कुछ भी हम सुन सकते हैं, तो ये क्या है, यह एक श्रव्य सामग्री है। उसके बाद नेक्स्ट है रेडियो। रेडियो जिसे कि हम सभी जानते हैं कि यह एक श्रव्य सामग्री होती है, इससे हम सुनते हैं, ठीक है। तो ये कुछ जो सहायक सामग्री ऐसी थी जिन्हें देखकर हम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं होता है कि सभी ने इन चीजों को ही देखा हो। तो हमने देखा कि ये होता है बुलेटिन बोर्ड, इसे कहते हैं एपेडिया स्कोप। नेक्स्ट है ये ओवरहेड प्रोजेक्टर। उसके बाद इस तरीके की फिल्म स्ट्रिप होती है। नेक्स्ट ब्लैक बोर्ड है। इस तरीके का डीवीडी प्लेयर होता है जो कि दृश्य श्रव्य सामग्री है। यह है आपका टेप रिकॉर्डर है, और यह है रेडियो। क्योंकि जो भी अब हमने इन चित्रों को देखा है, तो अब हमें ये लंबे टाइम तक याद रहेंगे। सामाजिक अध्ययन के जो शिक्षण है, जो शिक्षक है, वो शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए बहुत सारे शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करता है। अब प्रश्न उठता है कि अब इसका क्या महत्व, क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए, ये भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इससे जो शिक्षण सहायक सामग्री से बच्चों को क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। शिक्षण सहायक सामग्री से जो भी डिफिकल्ट जो विषय सामग्री वस्तु होती है वो इजी हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि बिल्कुल क्लियर भी वो दिखाई देती है, जिससे कि शिक्षण और अधिक सार्थक हो जाता है। पठन पाठन जो होता है उसमें नवीनता आती है। एक हम बुक से पढ़ रहे थे, वही ओल्ड जो स्टाइल थी वो पुराने टाइम से चली आ रही थी, उसको हटकर हमने क्या किया, कुछ उसमें नयापन लेके आए, नवीनता लेके आए, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि टाइम भी बच जाता है और एनर्जी भी बच जाती है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और बच्चों की जो रटने की प्रक्रिया है, सबसे मेन पॉइंट रटने की जो प्रक्रिया है, वो से भी छुटकारा मिलता है। बच्चे जो है वो बुक से केवल रटे जा रहे हैं, लेकिन उस चीज को समझ नहीं रहे हैं। लेकिन दृश्य श्रव्य सामग्री से क्या है, वो देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, उस चीज को समझ भी रहे हैं, तो उनको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक जो है वो समझ में आया होगा। किसी भी सब्जेक्ट में ये टॉपिक पूछा जाएगा, आपका मैटर यही रहेगा। कोई ऐसा नहीं है कि वहां आपको कुछ अलग पढ़ना है, ठीक है। तो आज इस वीडियो को आप अच्छे से समझ लीजिए और सभी सब्जेक्टों में आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। एक लास्ट वीडियो रह जाएगा, सामाजिक अध्ययन शिक्षण की विधियां है, क्योंकि हम सभी जो टॉपिक है वो कर चुके हैं। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको आप देख लीजिएगा, क्योंकि 10 मार्क्स जो है, 10 मार्क्स बहुत मायने रखते हैं, जो कि आपके बहुत ही आसानी से आप प्राप्त कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।